الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وہ ذات جس نے دہر میں توحید عام کی وہ ذات جس نے دہر میں توحید عام کی وہ ذات مستحق ہے درود و سلام کی جمعۃ المبارک ہے آج اور رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک آج ہم اس نسبت سے جو پہلا سبق حاصل کریں گے وہ ہوگا درود و سلام کی کثرت اور بالخصوص آج کا پورا دن رات سونے تک آپ کا مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے مختص ہوگا اب میں آپ کو رائے نہیں دے رہی اور آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہی بلکہ تاکیداً اللہ کا حکم آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنا تعلق قائم کرنے کا سب سے مضبوط سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں کو مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھنے کی عادت پڑ جائے اور آج کے دن سے زیادہ اہم آج کے دن سے زیادہ خوبصورت آج کے دن سے زیادہ فضیلت والا اور کوئی دن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جمعۃ المبارک یوم نور ہے تو رمضان المبارک میں جب یہ دن آیا تو یہ نور اعلیٰ نور ہے لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ خوش نصیب بنانے کا یہ بہترین وقت ہے تو پھر آپ پوری سچائی اور دیانتداری سے سب سے پہلے یہ عہد کریں گے کہ اپنی عادت کو مضبوط کرنے کے لیے آج کا پورا دن آپ کے سونے کی گھڑی تک سب قربان ہے اور مختص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کوئی بھی کام جا کے کریں سونے کی کوشش کریں تو نیند کے آخری جھونکے تک آپ کی زبان سے درود جاری رہے گا آپ اٹھنے کے بعد آپ کام کریں گے تو ہر کام میں آپ کی زبان پر درود جاری رہے گا اور جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ جو میں لفظ بول رہی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اونچے بولیں اچھا یہ لفظ جو درود لفظ ہے اس کو عام لوگ جو پڑھتے ہیں درود
तो जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ तारीफ और आपकी शान में जो हदिया पेश करते हैं वो दरूद नहीं होता, वो दुरूद होता है। आज आपने ये गलती भी दुरुस्त कर ली है, ठीक है। जो लफ्ज़ दरूद है, दरूद का माना होता है वो लकड़ी जो इमारतें बनाने में इस्तेमाल होती है। क्या समझ आई? तो हम हजूर की बारगाह में ये तो पेश नहीं करते। और दूसरा माना दरूद का होता है तोहफा, जो दुरुस्त चीज़ हम अपने प्यारे महबूब की बारगाह में पेश करते हैं वो है दुरूद। बोल के सही कीजिए, क्या है? नहीं दरूद नहीं, दुरूद। फिर बोलिए, फिर बोलिए, कोई जुबान खामोश ना रहे, फिर बोलिए, दुरूद, दुरूद, दुरूदो सलाम। हाँ, अब दारूदो नहीं कहना, दुरूदो सलाम। ये दुरुस्त लफ्ज है जिसका माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के लिए रब्बे करीम से रहमत की तलब करना, बरकत की तलब करना, आप अलैहिस्सलाम की तारीफ व तौसीफ करना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में इस बात का हुक्म दिया और अपने काम की खबर भी दी। मैंने अभी उतना हिस्सा पढ़ा जिसमें हमारे लिए हुक्म है, वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, तुम महबूब खुदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजते रहा करो। यहाँ वाज़ी अल्फाज में कुरान अज़ीम ने दुरूद और सलाम दोनों का एक जगह पे जिक्र फरमाया और दोनों को भेजने का हुक्म दिया है। लिहाजा आप अगर गौर से इस हुक्म को सुन लिया जाए और अपने सीने की ठंडक बना लिया जाए तो फिर किसी किस्म की तकरार और एतराज़ की गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि सिर्फ़ दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सिर्फ इतना पढ़ें या इस जैसे सीगे इस्तेमाल करें या फिर सलाम पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो सलाम के बग़ैर दरूद मुकम्मल नहीं होता। जिन लोगों का ये ख़्याल या जिनके पास ये दलील होती है कि नमाज वाला दुरूद अफजल है, बस वो पढ़ना चाहिए, तो आप लोग इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए कि नमाज वाला दुरूद अफजल है, मगर किस लिए अफजल है? नमाज में अफजल है, और वो अफजल इसलिए है कि उसी तशहुद में नमाज के अंदर पहले सलाम के सीगे भी आ जाते हैं और आगे दुरूद के सीगे आ जाते हैं, लिहाजा दुरूद और सलाम वहाँ एक ही जगह पर मुकम्मल हो जाते हैं। जब हम इसके अलावा सिर्फ अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद और उसके बाद अल्लाहुम्म बारिक के सीगे जब पूरे पढ़ते हैं तो इन पूरों कलिमात के अंदर किसी जगह पे सलाम का जिक्र नहीं। अल्लाह फरमा रहा है वसल्लिमू तस्लीमा और खूब खूब सलाम भेजते रहा करो। तो फिर वहाँ वो अफजल कैसे हुआ? नमाज में वो अफजल इसलिए हुआ कि थोड़ा सा पीछे जाइए, आपने वहाँ कहा था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या कहा आपने? सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? अस्सलामु अस्सलामु अलैका। आपने मुस्तफ़ा करीम को मुखातब के सीगे के साथ सलाम भेज दिया। जिस तरह मैं और आप एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो हम मुलाकात के वक्त में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ये लफ्ज़ कुम जो होता है ये ज़्यादा लोगों के लिए
होता है और जब कोई एक शख्स होता है उसके लिए अरबी में का लफ्ज़ होता है, जैसे अस्सलामु अलैका। गोया के नमाज में हम लोगों को सलाम नहीं कर सकते, इसलिए तख़सीस की गई, अगर नमाज में लोगों को सलाम करें तो नमाज टूट जाती है, लिहाजा वहाँ सीगा वाहिद का इस्तेमाल किया गया और फरमाया गया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए रब के महबूब, ए दानाए गयूब, ए हमारे दिलों के तबीब, ए कायनात के हबीब, हम आपको सलाम पेश कर रहे हैं। और इस सलाम की हैसियत ये है कि अगर ये सलाम नमाज में पेश ना किया जाए तो नमाज होती नहीं, और अगर मुस्तफ़ा करीम के अलावा किसी और को सलाम किया जाए तो नमाज बचती नहीं, नमाज टूट जाती है। अब यहाँ हमने सलाम किया, उसके बाद कलिमात हमने क्या पढ़े, अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तसलसल के साथ सलाम के दरमियान में ये कलिमात आ गए और उसके बाद हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो अब सलाम और दुरूद जमा हो गए। फिर इसकी फजीलत मुसल्लम है, यकीनन मुसल्लम है, मुस्तफ़ा करीम ने इसको फजीलत वाला दुरूद पाक फरमाया है, मगर वो मुकम्मल इस वजह से होता है कि हम पीछे सलाम भी पढ़ के आए हैं। तो जब आप नमाज में नहीं होते तो फिर तो आप ये तरीका और ये तरतीब नहीं रखते ना, तो उस वक़्त आपके लिए उन सीगों का चुनाव ज़रूरी है जिनके अंदर सलाम भी हो दरूद भी हो। और अगर मुख्तसर तरीन दरूद पाक आप पढ़ना चाहते हैं जिसका विर्द बहुत से अकाबर का बहुत से इस्लाफ का रहा, वो है सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, आगे असहाबी ही भी लगाया जा सकता है, मगर इसका ख्याल ये रखना है कि यहाँ सलाम भी है दुरूद भी है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब ये देखें सल्ला सलात से शुरू हुआ और वसल्लम सलाम पे आके ख़त्म हुआ, मुख्तसर तरीन दुरूद में दोनों चीज़ें आ गई और हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले हो गए। तो अब हमने ये देखना है कि हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इसमें कितनी चीज़ों पे अमल करते हैं या कितनी चीज़ों के तकाजे होते हैं। सबसे पहली बात जो मुस्तनद तरीन है वो है कि यह हुक्म कुरानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है। दूसरी बात यह है कि यह ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी है कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद पढ़े। तो जिसको ज़रा सी भी किसी से मोहब्बत होती है क्या वो उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। तीसरी बात ये कि दरूद पढ़ना तमाम सहाबा इकराम का मामूल रहा है, तो हमें सहाबा इकराम के मामूल को फॉलो करने की अगर तौफीक मिले तो हम खुश नसीब तरीन लोग हैं। चौथी बात दरूद पढ़ने के लिए, यानी दरूद पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि दरूद पढ़ने में उम्मती की तरफ से नबी की मोहब्बत का इजहार होता है। और पांचवी बात ये इंसानियत का तकाजा है कि हम अपने महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ें। छठी बात ये उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने नबी पर दरूद पढ़ें। सातवीं बात कि दरूद ऐसी दौलत है कि जिसके ज़रिए से पढ़ने वाले के लिए मुस्तफ़ा करीम की शफाअत लाजिम हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश किस तरह है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ा जाए, आपने फरमाया मुझसे मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाए। और इस बारे में
احادیث مبارکہ کا ایک ضخیم وسیع و عریض ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے, جس میں مختلف روایات ہمیں پڑھنے کو سننے کو حاصل ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. سعادت دارین سے نقل کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے عالی شان کا یہ مفہوم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کیا کرو. اپنا آپ کس طرح آراستہ ہوتا ہے کہ جوں جوں آپ درود پاک سے منسلک ہو جائیں گے, آپ کو یہ عادت ہو جائے گی, تو آپ کے باطنی حسن کے ساتھ ساتھ آپ پہ ظاہری حسن بھی آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پڑھا کرو. اچھا طریقہ تو میرے خیال میں آپ سمجھتے ہی ہوں گے, کسی بھی چیز کا, کسی بھی کام کا اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے. اور مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو. پھر مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو. حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے اتنے بڑے احسانات کے بعد کبھی کسی ذاتی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا. آپ نے کبھی امت سے کچھ طلب نہیں کیا. کتنے احسانات کیے, قرآن کریم فرماتا ہے جو میرے محبوب آئے تو انہیں آ کر تمہیں انہوں نے آ کر اس طرح تمہیں دوزخ کی آگ سے بچایا کہ جیسے کوئی آگ کے گڑے کے کنارے پر تھا اور یکدم کوئی دور سے دیکھے کیونکہ آگ میں گرنے والا ہے, اور پیچھے کی طرف سے آ کے اپنے بازو میں لے کر کمر سے تمہیں کھینچ کر پیچھے کر دے. مصطفیٰ نے اللہ کے بندو کو اس طرح دوزخ کی آگ سے کھینچ کر پیچھے کیا. اور لا تعداد بے شمار بے حساب و بے کتاب احسانات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری ذات کے اوپر ہیں, مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کا اظہار اپنی امت سے نہیں فرمایا سوائے ایک خواہش کے, اور وہ خواہش کیا ہے کہ اے میری امت مجھ پہ کثرت سے درود پڑا. اب سوچئے کہ کائنات کے والی سید المرسلین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خود آرزو فرما رہے ہیں کہ میرے غلام مجھ پر درود و سلام پڑھیں, تو سوچئے, سوچ کے جواب دیجئے کہ کیا اب بھی ہمارے اوپر درود و سلام پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. اور میں نے گزشتہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھیں, اپنے اوپر اس کو لازم و واجب کریں, اور جب آپ کی محفل میں آپ کے ذکر میں ہم بیٹھیں تو فوراً ہماری توجہ آپ کی ذات اقدس اور آپ کے گنبد خضرا کی طرف ہو جائے. سب سے پہلے جب ہم یہ ذمہ داری اپنی پوری کر کے کسی بزم میں کسی محفل میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب حضور کا نام آیا ہے تو درود پڑھو. آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ہماری توجہ کدھر ہے, ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے, ہم کس کی جستجو اور آرزو میں بیٹھے ہیں.
तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं उसका नाम आए, आपके कान सुने और जुबानें खामोश रहें? मुमकिन नहीं है ना, मगर हमारी महफिलों में तो ये मुमकिन होता है। हमें हर मर्तबा दिन में दो मर्तबा भी बयान हो और आगाज़ में मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना याद दिलाया जाए, तो फिर स्पेशली 5-7 मिनट लगाए जाते हैं आपको तैयार करने के लिए कि सबसे पहले आपने अपने नबी पर दुरूद पढ़ना है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम गैर हाजिर दिमागी से और गाफिल दिल के साथ ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए बैठते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम घर से आए क्यों हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने रोज़ का किराया क्यों खर्च किया है, हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने घर के काम छोड़कर इतना सफ़र रोज़ाना क्यों किया है। और अज़ीज़ात मोहतरम, हमें अपना क़िबला सीधा करने की ज़रूरत है। सिर्फ चक्कर लगा लेना, सिर्फ घर से निकल आना, सिर्फ वापस चले जाना, ये सब काम हमारी बख्शिश के लिए, हमारी शफाअत के लिए और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी के हुसूल के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक हमारी तवज्जो नहीं होगी, देखिए ना, आप एक आम मिसाल ले लीजिए, जब आप घर से निकलते हैं मार्केट जाने के लिए, तो मार्केट में आपने मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदनी हो या सिर्फ कोई एक चीज़ ख़रीदनी हो, तो आपका फोकस उन्हीं पे होता है या किसी और तरफ? बताइए, आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पे होता है ना जो आप ख़रीदने जा रहे हैं। तो हम हर रोज़ क्या ख़रीदने निकलते हैं? आपने घर से सोचा कि मुझे जूते लाने हैं, कपड़े लाने हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? आप सब्ज़ी वाली दुकान पे जाके बैठ जाएंगे? आप गोश्त वाली दुकान पे चले जाएंगे? या फिर सारी दुकानों का विज़िट करके वापस आ जाएंगे? नहीं ना, आपकी सोच, आपकी अकल ये तकाजा कर रही है कि आपको उन शॉप्स पे, उन दुकानों पे जाना है जहां आपकी मतलूबा चीज़ें हैं। कपड़ा ख़रीदने के लिए आपको दुकान को तलाश भी करना है, उसका मायार भी देखना है और ये भी देखना है कि वहाँ आपकी ज़रूरत के मुताबिक अच्छे दामों आपको चीज़ मिल जाए। उसकी जस्तजू करके आप मार्केट में उस दुकान पे जाएंगे, जूता लेने के लिए भी या और कोई सामान लेना, तब भी ऐसा ही होगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी भी शॉप पे चले जाएं वहाँ से आपको कपड़ा मिल जाएगा? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारा ध्यान कहीं भी हो, हमारी तवज्जो कहीं भी हो, हमारी सोचों का मरकज़ कोई भी हो, तो मुस्तफ़ा की नज़र हासिल हो जाएगी? क्या ये कैसे मुमकिन है कि मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब हो जाएगी? क्या ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के महबूब हमारी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे जब हमारी अपनी नज़र रसूलुल्लाह की तरफ है ही नहीं? ये सबसे बुनियादी चीज़ है, ये सबसे अव्वलीन चीज़ है कि हमारी तवज्जो, हमारा ख्याल, हमारी मोहब्बतों का रुख अल्लाह के महबूब की तरफ होना चाहिए और हमें इस बात का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए कि हमें कोई कहे। कोई क्यों कहे? 1450 साल पहले रब तो कह चुका कि किसी सदी में, किसी ज़माने में, किसी इलाके में भी पैदा होने वाले लोगों, तुम पर मेरे महबूब का दुरूद पढ़ना लाजिम है, वाजिब है। तो मैंने वजूहात में से एक वजह अर्ज़ की कि दुरूद हम बाकी चीज़ों के अलावा इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने दुरूद में अपने नबी के साथ इजहार मोहब्बत करते हैं। तो मेरे ख्याल में इजहार मोहब्बत का कोई तरीका सिखाया नहीं जाता। दुनिया में हर शख्स का इजहार मोहब्बत का अपना तरीका होता है, लेकिन वो छुपा नहीं रहता। जो भी होता है वो नज़र आता है, दिखता है और लोग देखकर जान लेते हैं कि कोई शख्स मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो अब आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ते हुए भी हमारी मोहब्बत तो ज़ाहिर होनी चाहिए। और जुमा के दिन मैंने इस मज़मून का इंतखाब क्यों किया
ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब आज अपने दामनों में भर के जा सकें। और आज अगर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत तरीन और उन नूर उन आला नूर दिन अता फरमाया है, तो हम इसकी बरकतों, नूरानियतों और रहमतों से महरूम होकर ना जाएं। आपको ख़ुद भी महसूस हो कि हमारे दामन में कुछ आया है, हमारे दिलों में कुछ उतरा है, और वो क्या उतरा है? वो दुरूद व सलाम की नूरानियत। तो सहाबा इकराम के मामूल का भी मैंने ज़िक्र किया कि उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो आपका क्या ख्याल है कि सहाबा इकराम जब दुरूद पढ़ते थे तो मंजर कैसा होता था? क्या तवज्जो फरमाइए, क्या सहाबा इकराम तस्बीह की गिनती पूरी करते थे? जी बगैर सोचे समझे तेजी से पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, ये तरीका होता था? तो क्या होता था जी? जब वो अपनी जुबानों से दरूद व सलाम पढ़ते तो इस कदर खुशी और इस कदर मुसर्रत के साथ पढ़ते कि इससे ज्यादा किसी और चीज में उन्हें खुशी नजर ना आती। अगर ये बात ना होती तो नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत उबैद बिन काब जब आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं तो आगे क्या अर्ज करते हैं? या रसूलुल्लाह, मैंने अपने मामूलात को डिवाइड कर रखा है, जिनमें से तीसरा या चौथा हिस्सा दरूद पाक के लिए ख़ास कर रखा है और उसमें सिवाय दरूद के मैं कुछ नहीं पढ़ता। आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा है, अगर इससे भी ज़्यादा कर लो तो और अच्छा है। हज़रत उबैद बिन काब ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं एक हिस्सा और बढ़ा देता हूँ। आपने फरमाया कि ये बहुत अच्छा है, अगर इसको और ज़्यादा कर लो तो और अच्छा है। आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिर मैं सारे वक़्त में से आधा वक़्त सिर्फ दरूद के लिए ख़ास कर लेता हूँ और बाकी आधे वक्त में बाकी चीज़ों को निपटाऊंगा और बाकी मामलात करूंगा। आपने फरमाया ये बहुत अच्छा है, अगर इससे भी ज़्यादा कर लो तो और अच्छा है। आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिर मैं तीन हिस्से वक़्त आपकी ज़ाती अक़दस पर दरूद पढ़ने को दूंगा और एक हिस्सा बाकी मामलात के लिए रखूँगा। आपने इरशाद फरमाया कि ये बहुत आला है, अगर इससे भी ज़्यादा कर लो तो और अच्छा है। आखिरकार हज़रत उबैद बिन काब ने क्या अर्ज़ किया? ऐ मेरे आका और मौला, रोज़ा तो आई नहीं बिका या रसूलल्लाह, आज के बाद आपका ये गुलाम हर घड़ी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कोई लम्हा ऐसा ज़ाया नहीं करेगा जिसमें आपकी ज़ात पे दरूद ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने क्या खुशखबरी इरशाद फरमाई? आपने फरमाया ऐ उबैद बिन काब, अब अल्लाह तुझे वो अता करेगा जिसका मांगने के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं होगा। बगैर दुआ किए रब तेरी हाजात को पूरा करेगा, तेरी आरज़ू को पूरा करेगा और तेरी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ऐसी दुआएं जो सिर्फ तेरे दिल में होंगी, मांगने का वक्त भी नहीं होगा। तो आप देखिए, फिर जब सहाबा इकराम दुरूद पढ़ते थे तो वो किस इश्क से, किस मोहब्बत से दुरूद पढ़ते होंगे। तो उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अगर हम मांग लें तो हमारी बात बन जाती है। मगर हमारे यहाँ दीन से दूरी और इल्म के ना होने की वजह से हमारे तरीक़े गलत हो चुके हैं, इतने गलत हो चुके हैं कि वो अपनी रूह खो चुके हैं। हमारा सारा फोकस क्या होता है? या सिपारों की गिनती पे, या कुरान करीम की गिनती पे, या तस्बीहात की गिनती पे, या फिर एक और जुल्म हम अपने ऊपर ये करते हैं कि अजीज़ हमारा मर जाए, इसाले सवाब करने की उसको ज़रूरत हो, मुश्किल हमारे ऊपर आ जाए और उसके लिए हमें कोई सवालात पढ़ने की ज़रूरत हो, तो हम सारे महल्ले और लोगों को इकट्ठा करके या तकसीम करके वो चीज़ें पढ़ा के फिर कहते हैं कि दुआ तो हमारी कबूल कोई नहीं हुई। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे शदीद बुखार और टाइफाइड आपको हुआ हुआ हो और आप दवाई लेके सारे मोहल्ले को जाके खिलाएं,
सोचिए ज़रा, शिफा किसको होगी? ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। मोहल्ले वालों को शिफा नहीं होगी, वो बीमार ही होगी। इसलिए कि टाइफाइड आपको है तो दवाई वो खा रहे हैं, वो तो बीमार होंगे, शिफा तो नहीं होगी उन्हें। तो अब बात ये है कि फीलिंग्स चाहिए, फीलिंग्स। आप किसी चीज़ को रब के हजूर पेश कर रहे हैं तो उसकी फीलिंग चाहिए ना। दर्द आपको है तो दर्द का इजहार तो आप करेंगे, तकलीफ़ आपको है, तकलीफ़ का इजहार आप करेंगे। जाने वाला अगर आपके घर से कोई चला गया जिसने सारी ज़िंदगी आपको खिलाया, पिलाया, पहनाया, आपकी खिदमत की, आपके हकूक अदा किए, अब जब उसकी बारी आई, जब वो कब्र में गया, आपने सिपारे बांटने शुरू कर दिए। आज बेटे की ज़िम्मेदारी नहीं कि वो कुरान ले कर खुद बैठे, आज बेटी की ज़िम्मेदारी नहीं कि वो कुरान ले कर खुद बैठे, आज बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं, बीवी चली गई तो शौहर की ज़िम्मेदारी नहीं कि वो खुद अल्लाह को याद करके हाथ उठा के उसके लिए दुआ मांगे, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, उसके लिए कुरान पढ़े, उसके लिए नवाफिल पढ़े, उसके लिए सदक़ात व खैरात अपनी कमाई से करें। ये चीज़ें और ये हकूक़ हैं ज़िंदगी में। वो आपके हक अदा करता रहा, उसके मरने के बाद अब आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसके हक अदा करें। हमने तरीकों को गलत कर दिया, हमने दीन को गलत कर दिया, यही वजह है कि हमारे दरमियान से नूर उठ गया, फैज़ उठ गया, हमें फ़ायदे मिलने बंद हो गए, हमारा ट्रेंड हो गया कि सारी दुनिया को जहाँ जहाँ आपकी लॉबी है, जहाँ जहाँ आपके सोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ आपके रिलेशन्स हैं, आप उनको कहें जी हमें सिपारा पढ़ दें, हमें 5,000 पढ़ दें, हमें 10,000 पढ़ दें, और वो इकट्ठा करके आप ला के पेश कर रहे हैं। आपको एहसास क्या हुआ? इसी तरीके से हम दुरूद भी पढ़ते हैं। अगर कोई हमें बता दे ना, ये आखिरी जुमला सुनिए तवज्जो से, अगर हमें कोई बता दे ना कि भाई फलां दुरूद 1,00,000 पढ़ने से या 70,000 पढ़ने से या रोज़ाना इतनी तादाद में पढ़ने से आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और आपकी शफाअत नसीब होती है, तो हमारा तरीका क्या होता है? फिर हम तस्बीह पे दौड़ लगा देते हैं और मुद्दत पूरी करने के बाद कहते हैं कि फलां बंदे ने बताया था तो हमने तो इतनी बार ये कर लिया, हमें तो ज़ियारत नहीं हुई। आपने ज़ियारत वाली तलब ही कब पैदा की अपने अंदर? आपने जस्तजू कब पैदा की? जब आप किसी के लिए बिछड़ने के बाद आप आरजू रखते हैं उससे मुलाकात की, तो आपका हाल यही होता है कि आप उस वक्त भी तस्बीह लेके तो ज़ोर ज़ोर से कहते रहे मैंने उससे मिलना है, मैंने उससे मिलना है, मैंने उससे मिलना है, तो कोई नहीं मिलेगा आपको। आप रोएंगे, आप आंसू बहाएंगे, आप रातों को जागेंगे, आप तड़पेंगे, आप इल्तिजाएँ करेंगे, सजदे करेंगे, दुआएँ करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपका महबूब आपको मिल जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ना इस तरह मतलूब है कि हमारे दिल की गहराइयों से मुस्तफ़ा की इज़्ज़त, अजमत, शान, शौकत के अल्फाज निकल रहे हों और उसको तस्लीम करके हम आपकी ज़ात अक़दस के नूर में डूब कर दुरूद पढ़ें। खुदा की कसम, चंद बार दुरूद पढ़ने ही काफ़ी हो जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात, आपके एहसानात हमारे ऊपर इस कदर हैं कि आपकी ज़ात लायक है इसके कि हम हर वक्त आपकी ज़ात पे दरूद पेश करते रहें और आपका शुक्रिया अदा करें। दरूद हमारा पढ़ना आपकी ज़ात का शुक्रिया अदा करना है। क्यों? इसलिए कि जब आप तशरीफ़ लाए थे तो इंसान कहाँ थे? अगर इंसान थे तो इंसानियत कहाँ थी? पूरी दुनिया जानवरों की मंडी बनी हुई थी, जानवरों की तरह इंसान को बेचा और ख़रीदा जाता था। अखलाक नाम की चीज़ कहीं ढूंढने से मिलती नहीं थी, रहम और रहम दिली का नामो निशान नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ? दुनिया भटक रही थी अंधेरों में, आपने दुनिया भटक रही थी अंधेरों में, आपने भटके हुओं को ज़्यादा मंजिल दिखा दिया। और हमसे ज़्यादा कौन है दुनिया में खुश नसीब? हमसे ज़्यादा कौन है दुनिया में खुश नसीब? अपने हबीब की हमें उम्मत बना दिया। और इंसानियत का रहबरे कामिल वही है बस, कौन? अल्लाह के नबी, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के नूरे नज़र,
इंसानियत का रहबर कामिल वही है बस इंसान जिसके अहद में इंसान हो गया, इंसान जिसके अहद में इंसान हो गया, बेशक दलीलो हुज्जतो बुरहान हो गया, बेशक दलीलो हुज्जतो बुरहान हो गया, यानी सिफातो ज़ात में कुरान हो गया। तो कसरत से दुरूद सलाम पढ़ना, उलमाए किराम ने लिखा है कि कसरत क्या है, दुरूद सलाम की कसरत ये है कि इंसान हर रोज़ 24 घंटों में कम से कम 300 बार नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़े, तो ये 300 बार दरूद पढ़ना दरूद की कसरत में शामिल हो जाता है। जब आपने 300 की आदत बना ली तो गोया आपने कसरत से नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ने की आदत बना ली। अब उससे ज़्यादा आपकी खुशबख्ती है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, लेकिन 300 तक की तादाद पूरी करने वाला कसरत वालों में शामिल हो जाएगा। तो फिर हमें अपनी आदत में क्या शामिल करना चाहिए कि हम खुशी से, खुश दिली से, खुश आवाज़ी से, मोहब्बत से, इश्क से और अपने महबूब की मोहब्बत में गुम होकर दरूद व सलाम पढ़ने की आदत डालें। तो फिर आज से आगाज़ करें। आज आपने ये वादा कर लिया सबने कि बाकी का सारा दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ने में गुजरे। अगर ज़्यादा अल्फाज दरूद पाक के ना आते हों, जैसे हमारी बहुत सी ख़वातीन को अल्फाज अदा करने नहीं आते, तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बोलिए ज़रा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिर बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये तो बहुत आसान है और बग़ैर तरद्दुद के आप सारा टाइम पढ़ सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अगर किसी को ये पढ़ने की आदत है तो ये पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से कोई भी दुरूद पाक जिसमें सलाम का लफ्ज़ भी आता है आप उसको पढ़ें। अगर किसी को पहले से किसी और सीगे के साथ पढ़ने की आदत है तो उसी को कंटिन्यू करें, मगर आज का दिन आपने ख़ास कर दिया, अब आप इसमें खयानत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस दिन में हमारा ये इरादा और ये वादा अपने शयान शान कबूल करे और हमें रात तक एक ज़खीरा दरूद का अपने नामा अमाल में जमा करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर इसी की बरकत से आज ख़ास दुआ अपने नबी के वसीले से अपने रब के हुजूर पेश कर दीजिए कि हमने इस माह मुबारक में क़ुरान करीम का जो नूर अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दिन में हमें इसकी तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। आइए हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ने के साथ हम उस लारैब किताब से आज का सबक पढ़ें जो उस प्यारे महबूब की ज़ात अक़दस पर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زجن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى
قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم واذكروا الله اور یاد کرو اللہ کی فی ایام معدودات गिने हुए दिनों में फमन ताजला तो जो जल्दी करे फी यौमैन दो दिनों में तो जो जल्दी करे दो दिनों में किस चीज़ की जाने की फला इस्मा अलैह तो उस पर कुछ गुनाह नहीं फमन तअख्खरा और जो रह जाए या जो जाना मुअख्खर कर दे फला इस्मा अलैह तो उस पर कुछ गुनाह नहीं लिमन इत्तका परहेजगार के लिए वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो वालमू और जान रखो अन्नकुम इलैही कि तुम्हें उसी की तरफ तुहशरून उठाए जाना है। यहाँ पर हमारा जो मज़मून है ये हज के मुतल्लिक है जो पिछले सबक से चल रहा है, आपको याद है। तो ये जो ठहरने की बात है यहाँ गिनती के दिनों में अय्याम तशरीक मुराद हैं और अल्लाह के ज़िक्र से मुराद नमाज़ों के बाद अल्लाह का ज़िक्र और जब जमारात को कंकर मारे जाते हैं जिसको आम इस्तिला में शैतानों को कंकर मारना कहा जाता है हज के दिनों में, ठीक है। तो उस कंकर मारने के वक़्त तकबीर कहना ये अल्लाह का ज़िक्र है, यहाँ इस ज़िक्र को ज़िक्र किया जा रहा है। अब यहाँ ये है कि 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज इन चार दिनों में शैतानों को कंकर मारे जाते हैं। 10 तारीख को सिर्फ एक शैतान को यानी एक जमरे को और बाकी तारीखों में तीनों को मारे जाते हैं। 13 तारीख को भी रमी तो है, यानी उस दिन भी रमी का मतलब कंकर मारना ये है, लेकिन अगर कोई शख्स 10, 11, 12 तीन दिन पूरे करके वापस चला जाता है तो इस पे कोई गुनाह नहीं, और अगर कोई 13 के दिन भी रुकता है और 13 के दिन भी कंकर मार के फिर जाता है तो ये उसके लिए ज़्यादा अफसल है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि जो बंदा 12 को चला गया उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं, और कोई गुनाह है वाज़े तौर पे बता दिया कि फला इस्मा अलैह, दोनों जगहों पे दो दफ़ा ये लफ्ज़ आपने पढ़ा कि ना इस ऐसा करने वाले को गुनाह है ना ऐसा करने वाले को गुनाह है। अलबत्ता ये तो मुसल्लम है कि जो शख्स किसी अफसल रास्ते को अख्तियार करता है उसको अफजलियत का सवाब भी मिलता है जी। वमिन अन्नासी और लोगों में से कोई वो है मैं यो अजीबू का कि जिसे अच्छी या भली लगे कौल हो उसकी बात फिल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में वयुशीदुल्लाह और वो गवाह लाए अल्लाह को अला माफ़ी कल्ब ही अपने दिल की बात पर वाहुआ और वो अलद्दुल खिसाम सबसे बड़ा झगड़ालू है या फसाद करने वाला है। वकीज़ा तवल्ला और जब वो पीठ फेरे सआ फिल अर्दी तो
कोशिश करता है ज़मीन में लियुफ्सिदा फीहा फसाद करने की, वयुहलिकल हरसा और तबाह करे खेत व नस्ल और जाने, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, सुन लो कि अल्लाह फसाद करने वाले को पतान पसंद नहीं फरमाता। इस आयत करीमा में जो बंदों की खराबियां बयान की गई हैं, इसके पीछे एक मुनाफिक की बात है जिसके लिए ये आयत करीमा नाजिल हुई, जिसका नाम अखनस बिन शरीक था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आता तो बड़ी मीठी मीठी बड़ी लजाजत से बातें करता, अपने इस्लाम का दावा करता, अपनी मोहब्बत का दावा करता, आप कस्में खा खा कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये चीज़ें पेश करता और दर पर्दा आपकी बारगाह से उठकर लोगों के दरमियान वो क्या करता, हर तरफ फसाद बपा करने में कोशिशें करता रहता। यानी जिधर गया वहाँ आग लगा दी, जिधर गया वहाँ आग लगा दी। और इस शख्स ने मुसलमानों के बहुत से जानवरों को, मवेशियों को भी हिला किया और बहुत से मुसलमानों के खेतों को आग भी लगा दी। इस शख्स के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई कि बज़ाहर उसकी बातें ऐसी होती हैं और अंदर से वो क्या है। कुरान करीम का ये उसलूब क़यामत तक आने वाले लोगों को समझाने के लिए होता है। बायस एक शख्स बन जाता है, एक शख्स की वजह से कोई हुक्म नाजिल किया जाता है, मगर बहुत से मकामात पर वो हुक्म खास नहीं होता बल्कि अवामुन नास के लिए आम होता है। और ये बुरा किरदार जो अल्लाह ने कुरान करीम के ज़रिए पेश किया, वो हमें समझाने के लिए और हमें ऐसे बुरे किरदार से तौबा करने के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि अगर कुरान इस किरदार को इतना बुरा समझ रहा है कि पूरी दुनिया में इसको वायरल कर रहा है, तो फिर सोचो अगर तुम भी आज ऐसा किरदार अदा करोगे किसी बड़े के पास जिससे आपको मकासद है, जिसके सामने आप अच्छा बनना चाहते हैं, वहाँ आप अच्छी बातें कर लेते हैं और उसके सामने मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल के उसी के ख़िलाफ़ लोगों से बातें करते हैं और उसी के पैरोकारों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सबसे बदतरीन इंसान है जिसको कुरान भी बदतरीन कह रहा है। तो इसके लिए अब हमें खुद देखना है, अपने अंदर खुद झांकना है कि हम में से कौन कौन इस तरह का किरदार अदा करता है। और वाइज़ा क़ीला लाहू, जब उससे कहा जाए, ये वही जुमला चल रहा है ना आगे, कि ऐसा बंदा जो इस तरह की दोगली पॉलिसी रखता है, दोगला किरदार अदा करता है, तो जब उससे कहा जाए इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, तो उसे उभारती है ज़िद बिल इस्मी, मज़ीद गुना पर। इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे अगर आप उन्हें अल्लाह की याद दिलाएं, अल्लाह का हुक्म याद दिला के डराएं कि तुम अल्लाह से डरो, तुम बहुत बुरा किरदार अदा कर रहे हो, तो वो आगे से अपनी जहालत की वजह से और गुमराही की वजह से और कुफ्रिया कलमे तक कह जाता है। यानी यहाँ तक भी कि जब आखरत आएगी तो देखी जाएगी, जब खबर आएगी तो देखी जाएगी, और अभी तो इस बंदे को मुझे सबक सिखाना ही सिखाना है और मैंने इसके साथ ये कर भी छोड़ना। यानी इस तरह के लोग फिर इस तरह के भी कमेंट आगे से करते हैं और उन्हें उस वक़्त भी अल्लाह का डर नहीं आता, बल्कि उनकी जो ज़िद होती है वो उन्हें और ज़्यादा गुनाह की तरफ ले जाती है। तो सुनिए, फहस्बुहु जहन्नम, मैंने क्या गुजारिश की थी कि जब अल्लाह के अजाब और अल्लाह के दोज़ख़ या जहन्नम की बात आए तो एक दूसरे को गवाह बनाकर अस्तग़फिरुल्लाह ज़रूर कहा करें ताकि माफ़ी मांगने वालों में आपका नाम आ जाए। और ये कुरान सुनने के आदाब भी हैं, जब अल्लाह की रहमत उसकी जन्नत की बात आए तो खुश होकर सुबहानअल्लाह और माशाअल्लाह कहा करें, और जब दोज़ख और अजाब की बात आए तो अस्तग़फिरुल्लाह ज़रूर कहा करें। तो क्या कहा गया कि दोज़ख के सिवा अब इसके लिए और कोई चीज़ काफ़ी नहीं हो सकती जो इस हद तक बढ़ जाता है। वला बिसल मिहाद, और सुनो कि वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वमिन नासी मई यशरी, और लोगों में से कोई वो है जो बेचता है नफ्सहू
अपनी जान इब्तिगा चाहने में मर्दातिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी, यानी एक कैटेगरी तो वो बयान हुई, दूसरी कैटेगरी ये है कि दूसरी तरफ एक ऐसा आला मकाम रखने वाला और खुश नसीब बंदा भी है जो अपनी जान ही खर्च कर देता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। उसका मतमा नज़र और कुछ होता ही नहीं, वो भी तो बंदा है और ये भी बंदा है। ज़रा सोचिए कि इन दोनों बंदों में कितना फ़र्क है। तो हमें किस बंदे की पैरवी करनी चाहिए ये भी फैसला हमने साथ साथ करना होता है कि हमारी राह कौन सी है, हम किस तरफ चल रहे हैं और किस तरफ चलना है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अगर इतनी नाफरमानियाँ करने वाले को वो दोज़ख का ठिकाना देगा तो अल्लाह की रज़ा तलाश करने वाले और अल्लाह की मोहब्बत में चलने वाले पर वो कितनी मेहरबानियाँ नाजिल करेगा, कितना रहम फरमाएगा, इसका अंदाज़ा भी कोई नहीं कर सकता। अब ये किसके लिए नाजिल हुई आयत? ये हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब मक्का से हिजरत करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीना तैयबा रवाना हुए ना, तो मुशरिकीन कुरैश की एक जमात ने आपका पीछा किया। किसका क्या नाम लिया मैंने, मुझे बोलिए। सुहैब रूमी, हज़रत सुहैब रूमी। तो लोगों ने जब आपका पीछा किया, आप सवारी से उतरे और अपना तीर निकाल कर फरमाने लगे, ऐ कुरैश तुम में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मैं तीर मारते मारते अपना तुर्कश खाली ना कर दूं, और फिर जब तक तलवार मेरे हाथ में रहे मैं उससे मारूंगा, और अगर तुम मेरा माल चाहो जो मक्का में दफन किया हुआ है तो मैं तुम्हें उसका पता बता देता हूँ, तुम जाके वो सारे का सारा मेरा माल ले लो, मगर तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मगर तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। अब देखिए कि अपना माल, अपना दौलत, अपना ख़जाना, इसको बचाने की फिक्र नहीं की, बल्कि कहा कि मैं हक के रास्ते पे निकला हूँ, मैं तीरों के साथ भी तुमसे लड़ूंगा, मैं तलवारों के साथ भी तुमसे लड़ूंगा, मगर अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम इस बात पे कंप्रोमाइज़ करते हो तो जाओ फलां फलां जगह पे मेरे ख़जाने दफन हैं वो जाके सारे ले लो, मगर मुझे मेरे महबूब के पास जाने दो। ये होता है ईमान, और ईमान के यही तकाजे हमेशा दुनिया में रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। और आप देखते हैं कि हर ज़माने में हमारी कौमों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर से हर दौर में ऐसे आला बख्त और खुश नसीब पैदा होते हैं जो हमें ईमान की कदर समझा जाते हैं, और हमारे जैसे कमज़ोर लोग मुंह देखते रहते हैं, आएं बाएं शाएं, ये मसलहत वो मसलहत, ये काम वो काम, वो ज़िम्मेदारी फला फला करते करते अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर लेते हैं, ना आखरत मिलती है ना दुनिया मिलती है। तो अजीमत का रास्ता, हक का रास्ता, सच का रास्ता इख्तियार कीजिए और उसके लिए कमर बस्ता हो जाइए, फिर देखिए कि रब आपके लिए आसानियाँ कितनी पैदा करता है और आपके दराजात कितने बुलंद करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तर्जमा कीजिए, ऐ ईमान वालों। ये कौन है? मेरे प्यारे महबूब की सारी उम्मत जो क़यामत तक पैदा होती रहेगी। हम सब वो खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने इन अल्फाज के साथ 84 मरतबा तकरीबन इन सेम अल्फाज के साथ डायरेक्ट मुखातब किया। अब अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि हबीब आप कह दीजिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप मेरे बंधु को ईमान वाले कह के पुकारिए, नहीं, अल्लाह डायरेक्ट कह रहा है, हमें पुकार रहा है और फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। समझ आ जाए, काश हमें इस किताब की लज्जत आ जाए। तो जो अहले कशफ और अहले कैफियत होते हैं ना, वो तो इस खुशी में ही अपनी जानें लुटा देते हैं कि हमारा रब हमें बुला रहा है, हमें कह रहा है, ये ऑर्डर हमें किया जा रहा है, और हम तो सारी ज़िंदगी यही नहीं कर सकते कि हम कुरान को कुरान समझ के पढ़ ही लें। और जिन्होंने इस किताब से लज्जत हासिल की उन्हें इसके बाद किसी और जुमले की ज़रूरत ही नहीं रही।
क्या फरमाया, खुद खलू दाखिल हो, फिस सिल्मी इस्लाम में, काफतन पूरे के पूरे, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल होना क्या होता है, अलहम्द से शुरू करो और जहाँ जहाँ जिस काम से अल्लाह ने मना किया मना होते चले जाओ, जिस जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल करते चले जाओ। कभी ये मत कहो कि ये काम बड़ा मुश्किल है, ये पिछले ज़माने के लोग कर सकते थे, हम नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। याद रखो कि ये सारा जाल शैतान का फैलाया हुआ है, ये बातें वो हमारे अंदर पैदा करता है। किसी ज़माने में कोई काम करना जो अल्लाह का हुक्म है वो इम्पॉसिबल नहीं हुआ करता, बल्कि जितने दूर के ज़माने में जाके लोग जितनी अजीमत और जितनी फरमाबरदारी इख्तियार करते हैं उतने अल्लाह करीम के यहाँ दराजात ज़्यादा बुलंद। और फिर हर कलिमा गो और हर ईमान वाले की ये तो जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की पासदारी भी करे और उसका हुलिया, उसकी गुफ्तगू, उसका लिबास, उसका उठना बैठना, उसके मामूलात ज़िंदगी, ये खुद ब खुद बोल बोल कर बता रहे हूँ कि ये गुलाम मुस्तफ़ा है। और वला तत्तबिऊ, और ना चलो या ना पैरवी करो खुतवात शैतान, शैतान के रास्तों की या शैतान के कदमों की। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, क्योंकि बेशक वो यकीनन तुम्हारा खुला दुश्मन है। मैं खुले दुश्मन की डेफिनेशन बड़ी मरतबा कर चुकी हूँ कि खुला दुश्मन कौन होता है, जिसकी दुश्मनी भी सामने हो, जिसका असलहा भी सामने हो, बस सरेआम गलियों में और रोड्स पे रास्तों पे आपको धमकियाँ देता हुआ गुजर रहा हो और जहाँ चाहे किसी की शर्मो हया किए बगैर आपका गिरेबान पकड़ ले, आम लिहाज से इस बंदे को खुला दुश्मन कहते हैं। तो अल्लाह ने खुला दुश्मन हमारा किसको फरमाया, शैतान, कि वो छुपा हुआ नहीं है, वो चैलेंज करके आया हुआ रब के दरबार में कि जहाँ जहाँ मुझे तेरे बंदे मिलेंगे मैं उनको तबाह करूँगा, बर्बाद करूँगा, गुमराह करूँगा, रास्ते से हटाऊँगा। अरे इतना कुछ जिस दुश्मन के बारे में हमें पता है हम फिर भी उसको गोद में बिठाए रखते हैं। कुरान को पढ़ने का मकसद ये है, रब इसलिए कह रहा है कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हर चीज़ को मानो और जिसको ना करने का हुक्म दिया है उसको छोड़ दो, बिला तरद्दुद मानो, बिला तरद्दुद छोड़ दो। मसलहतों का शिकार होगे तो डूब जाओगे, गुमराह हो जाओगे, क्योंकि शैतान तुम्हारी हर तरफ बैठा है, तुम्हें किडनैप करने के लिए, तुम्हें अगवा करने के लिए, तुम्हें बुरे रास्ते की तरफ ले जाने के लिए। तो सोचो इसके लिए हमें कितनी काविश की ज़रूरत। फ़ैन ज़लल, तो फिर अगर तुम लफ्जिश खा जाओ या फिसल जाओ, मिम बादी, बाद इसके, माजाअतकुमुल बय्यिनात, जबकि तुम्हारे पास रोशन हुक्म आ चुके, फअलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। हल यंज़ुरूना, काहे के इंतज़ार में है वो, इल्ला अन, मगर यही कि यातियाहुमुल्लाहु, आए उन पर या लाए उन पर अल्लाह, फी ग़ुलालिन मिनल ग़मामी, अजाब बादलों में, वल मलाइकतु, और फरिश्ते उतरे, वक़ुदियल अम्र, और फैसला हो चुके, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ तमाम कामों का रुजू है। यानी अल्लाह ये पूछ रहा है कि जिन लोगों को अभी भी इस्लाम की समझ नहीं आई, जिन्हें कुरान की हकानियत पर यकीन नहीं हुआ, अब वो किस चीज़ के इंतज़ार में है? क्या अब वो ये चाहते हैं कि अल्लाह का अजाब आए बादलों के अंदर, छाए हुए बादलों में, कि बादलों में से बारिश की बजाय पहली उम्मतों की तरह तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसे, तुम्हारे ऊपर आग बरसे, तुम्हारी बस्तियां उलट दी जाए, सैलाब के अजाब में तुम्हें मुब्तला कर दिया जाए? तब तुम्हें समझ आएगी, तब तुम कुरान को सच्चा मानोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें इस्लाम में पूरा दाखिल हो जाना चाहिए। या फिर अल्लाह पूछ रहा है कि या फिर
अजाब के फरिश्ते आए जिस तरह कौम लूत पे आए थे और आके उनकी बस्ती को आसमान तक बुलंद करके उलट के ज़मीन पे पटक दिया था। क्या लोगों इस्लाम में दाखिल होने के लिए इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो कि अब तुम्हारे किस्से तमाम हो जाए तो फिर तुम ईमान लाओगे? नहीं, अब तुम्हारी कौम पर मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से ऐसा कोई अजाब तो नहीं आएगा, लेकिन हर ज़माने में मेरे महबूब के नौकर, मेरे महबूब की उम्मत के उलमा तुम्हें सीधी राह की तरफ बुलाते रहेंगे। यही तुम्हारे लिए चलने का रास्ता है। सल बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछिए, कम आतई ना हूँ, कितनी दी हमने उन्हें, मिन आयतिन बजीना, रोशन निशानियाँ। यानी अगर आज तुम इन चीज़ों का तकाजा करते हो तो जाओ ज़रा बनी इसराइल से, यहूदियों से, ईसाइयों से पूछो कि उनके मांगने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन कौन सी निशानियाँ और कौन कौन से मौजज़ात उनके सामने नहीं नाजिल किए, मगर क्या वो ईमान ले आए? या उन्हें नबियों को माना? नहीं माने ना, तो फिर जिसने नहीं मानना उसने इस तरीके से भी नहीं मानना। लिहाजा कुरान से बढ़कर और साहिब कुरान के फरमुदात से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई मुदल्लल चीज़ नहीं हो सकती। वमई में बदल, और जो बदल दे नेमत अल्लाही, अल्लाह की आई हुई नेमत, अल्लाह की नेमत को, मिन बादी मा जाअत, इसके बाद कि जब वो आ जाए, फइन्नल्लाहा शदीदुल इकाब, मुझे वास्ते अस्तग़फिरुल्लाह। तो क्या फरमाया कि बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है, ना उसको कोई लौटा सकता है, ना उसको कोई कम कर सकता है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, आरास्ता की गई या मुज़य्यन की गई या खुशनुमा बना दी गई काफरों के लिए, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, वयस्खरूना, और वो हंसते हैं, मिनल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों से या मुसलमानों से, वल्लज़ीन तक़ौ, और डर वाले उनमें से, फ़ौक़हुम, उनके ऊपर होंगे, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, वल्लाहु यरज़ुकु, और अल्लाह रोज़ी दे या रोज़ी देता है, मन यशाउ, जिसे चाहे, बग़ैर हिसाब, बग़ैर गिनती के। यानी काफरों के लिए दुनिया मुज़य्यन की गई, कोई चीज़ डेकोरेट, मुज़य्यन, आरास्ता किसके लिए की जाती है? जिसको वो पसंद होती है। तो मोमिन के लिए दुनिया की हैसियत क्या है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, तो काफिर उसी से प्यार करेगा। अब हमें ये भी फैसला करना है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं? मोमिन हैं, मोमिन है ना, तो फिर हमारे लिए इस दुनिया के अंदर पसंदीदा चीज़ें और उनकी चाहत और उनकी जुस्तजू होनी चाहिए या आखरत के लिए? मगर ऐसा तो नहीं, हमें तो हर वो चीज़ पसंद है जो नए फैशन के साथ आती है, हमें हर वो चीज़ पसंद है जो इस दुनिया में अपनी रंगीनियों के साथ, खुशनुमाई के साथ हमारे सामने आती है, हम उस पर मर मिटते हैं, मगर हमें आखरत की कोई फिक्र नहीं होती, ना उससे प्यार होता है। अगर प्यार जिस चीज़ से होता है वो हमारे दाएं बाएं नज़र भी तो आती है कि नहीं आती? अपने घर की आप डेकोरेशन को देख लें, घर को सजाना संवारना देख लें, जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं, जब जब आपके पास गुंजाइश होती है आप उन चीज़ों को ख़रीद के लाते हैं कि नहीं, घर में रखते हैं? आपके घर में नज़र, आप हर घर में चले जाएं, हर घर में मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, और फिर जब आप तारुफ करवाएंगे, मसलन नया घर बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, डाइनिंग बनाया, बेडरूम बनाया, जब नया घर बना तो आप अपनी सहेलियों दोस्तों को एक एक कमरे में ले जाके दिखाते हैं कि ये मेरी बड़ी पसंदीदा चीज़ है, ये कलर मेरा बड़ा पसंदीदा है, ये फर्नीचर मेरा बड़ा पसंदीदा है, मैंने इसका इंतखाब किया और मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का बनवाया। तो पता चल जाता है कि आपकी पसंदें क्या हैं। कभी आप दो सहेलियों ने बैठकर ये डिस्कस किया कि मुझे कुरान की कौन सी आयत पसंद है, मुझे हजूर का कौन सा फरमान पसंद है,
मुझे कौन सा वजीफा पढ़ना पसंद है, मुझे कितने नफिल पढ़ने पसंद है और मुझे आखिरत में क्या चीज़ पसंद है। कभी कभी सोच के बताइए ज़िंदगी में बैठ के ऐसी बात की हो तो समझ आ गई ना कि फिर हमारी पसंद क्या है। तो अल्लाह तो फरमा रहा है कि ये काफिरों की पसंद है और हमने उनकी पसंदों को अपना रखा है, तो क्या करना है, हमने इसी रास्ते पे चलते रहना है या गुंजाइश है वापस आने की? गुंजाइश है तो मेरे ख्याल में आज से सफ़र शुरू कर ले। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि कितने साल हम जी रहे हैं या कितने घंटे या कितने मिनट या कितने सेकंड्स, तो हम कितनी देर करेंगे उस वक़्त तक देरी करते चले जाएंगे जब वाकई देर हो जाएगी। नहीं अजीजात मोहतरम, हमने हिदायत का ये सफ़र इसलिए शुरू किया है कि हर रोज़ हम कुछ ना कुछ हिदायत यहाँ से जमा करते जाएं और उसके साथ जाके अपने घरों को डेकोरेट करें, उसके साथ अपने ख़ानदानों को डेकोरेट करें, उसके साथ अपनी नस्लों को संवारें। और आपको देखने वाला महीने बाद, दो महीने, चार छः महीने बाद देखे तो वो बरमला कह उठे कि आप तो बहुत चेंज हो गई, आपकी तो पसंद ही बदल गई, आपका तो स्टेटस बदल गया। आप ये कहलवाने की कोशिश करें और इतनी एफर्ट ज़रूर कर लें कि देखने वाला आपको देखकर एक बार ज़रूर कहे कि आप पहले जैसी नहीं रहीं। अगर कटे हुए बाल थे तो आप किसी को दुपट्टा लिपटा हुआ नज़र आए, अगर बारीक और गैर शरई लिबास था तो अब शरीयत के मुताबिक और जिस्म ढांपने वाला बाहया लिबास पहना देखकर लोग हैरान हो के आपसे पूछे कि ये चेंज कैसे आया, तो आप फ़ख्र से कह सकें कि मैंने कुरान से मोहब्बत की और कुरान ने मुझे ये सिखा दिया। कानन नासु उम्मतन वाहिदा, लोग थे एक ही दीन पर। फबअसल्लाहु, फिर अल्लाह ने भेजे अन्नबीयीन, नबी, मुबशिरीन, खुशखबरियाँ सुनाते, व मुनज़िरीन, और डर सुनाते, व अनज़ला, और उतारी, माअहुम, उनके साथ, अल्किताबा, किताब, बिलहक़्क़ी, हक़ के साथ। क्यों उतारी? लियहकुमा बैनन्नासी, ताकि वो फैसला कर दे लोगों के दरमियान, फ़ी मख्तलफ़ु फ़ी, उनके इख्तिलाफ़ों का, व मख्तलफ़ फ़ीही, और नहीं इख्तिलाफ़ में डाला, इल्लज़ीना ऊतूहु, मगर उनको, मगर उन्होंने जिनको दी गई थी वो किताब, मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि उनके पास रोशन निशानियां या रोशन फैसले आए, बग़्यन बैनहुम, इख्तलाफ क्यों डाला, आपस के बुग्ज या आपस के हसद की वजह से। फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह ने हिदायत दी ईमान वालों को, लिमख्तलफू फीही मिनल हक़्क़ी बिइज़्नि, कि वो हक बात उनको सुझा दी जिसमें वो झगड़ रहे थे अपने हुक्म से। वल्लाहु यहदी मन यशाउ, और अल्लाह हिदायत या राह देता है जिसे चाहे, इला सिराति मुस्तकीम, सीधी राह की तरफ। कानन नासु उम्मतन वाहिदा का मतलब है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक सब लोग एक ही दीन पर, एक ही शरीयत पर थे। ना इतने अरसे में दीन कोई चेंज हुआ, ना शरीयत तब्दील हुई, ना अहकाम बदले। और जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा होने शुरू हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बाकायदा शरीयत देकर नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया, और बेसत के लिहाज से नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले पहले रसूल हैं। अम हसीबतुम, क्या तुम इस गुमान में हो या क्या तुम्हारा ये गुमान है, अन तदखुलुल जन्नता,
कि तुम जन्नत में जाओगे। वलम्मा यातिकुम, हालांकि नहीं आई तुम्हारे पास, मसलुल्लज़ीना, मिसल उन लोगों की, खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुज़र गए। मस्सतहुमुल बासा, उन्हें पहुंची सख्ती, वद्दर्रा और शिद्दत, वज़ुलज़िलू और हिला कर रख दिया गया उनको। हिला कर रखने का मतलब क्या होता है? सर से ले के पैर तक झंझोड़ देना। हत्ता यकूल रसूल, यहाँ तक के रसूल कह उठे, वल्लज़ीना आमनू माहू, और उनके उसके साथ ईमान वाले भी, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अला सुन लो, इन नसरुल्लाह, बेशक अल्लाह की मदद करीबन करीब है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर उसके मुतल्लिक ये आयत नाजिल हुई, जहाँ मुसलमानों को सर्दी की वजह से, भूख की वजह से बड़ी शदीद तकलीफ़ें पहुँची। और इस आयत में पिछले लोगों की तकलीफ़ें, जिन्होंने ईमान के लिए इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें और मुसीबतें बर्दाश्त की, तो उनकी बातें बताकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदू को सब्र की तलकीन फरमा रहा है, और ये फरमा रहा है कि अल्लाह की राह में तकलीफ बर्दाश्त करना हमेशा से ख़ास लोगों का मामूल रहा है। और अल्लाह बता रहा है कि अभी जो पहली उम्मतों ने और पहले जो मेरे मुकर्रब बंदे थे, उन्होंने जो मेरी राह में तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उतनी तो तुम्हारे ऊपर आई नहीं। जैसा कि हज़रत ख़ुबाब बिन अरब फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवार के साथ चादर मुबारक से तकिया बनाकर टेक लगाए बैठे थे, तो कहते हैं कि हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमारे लिए आप दुआ क्यों नहीं करते, हमारी आप हमारी मदद क्यों नहीं करते। इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले लोग गिरफ्तार किए जाते थे, ज़मीन में गड़ा खोदकर उसमें दबा दिए जाते थे। जुर्म क्या था? कि वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वो नबी पर ईमान लाते हैं, इसकी वजह से बातिल कौमें उनको इस तरह से सज़ा देती थी। और फरमाया कि उनको आरे से चीर कर दो टुकड़े कर डाले जाते थे, और लोहे की कंघियों से उनके जिस्मों से गोश्त नोच लिए जाते थे। लेकिन ऐसा सहाबा इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें उनको दीन से रोक नहीं सकी। तो तुम अभी से घबरा मत जाओ, वो ऐसी कौमें थी, ऐसी उम्रें थी कि तकलीफ़ और शिद्दत उनकी इंतहा को पहुंच गई, मगर उनकी फर्मा बरदारी में कोई फ़र्क नहीं आया। यस अलूना का माजा युल्फिकुन, और आपसे सवाल करते हैं कि क्या चीज़ खर्च करें। कुल, आप फरमा दीजिए, मा अनफक्तुम, जो तुम खर्च करो, मिन खैरिन, कोई माल नेकी में, फलिल वालिदैनी, तो वो माँ बाप के लिए, वल अक़रबीन, रिश्तेदारों के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकिन, और मोहताजों के लिए, वबन सबील, और मुसाफिरों के लिए है। ये तरतीब हमें बताई गई कि जब भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम्हारे खर्च करने की तरतीब और तरतीब क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। आज इस तरतीब को भी हमें समझने की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा सवाब तुम्हें खर्च करने का मिलता है कि जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार, अजीज़ो क़ारिब हैं, उन पे खर्च करो। और अगर इससे भी ज़्यादा सवाब की ज़रूरत है, तो जो रिश्तेदार तुमसे नाराज़ हैं और ग़रीब हैं, हाजतमंद हैं, उनको मदद की ज़रूरत है,
तो उनको बताए बगैर इनडायरेक्ट तरीके से किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए उनकी मदद के लिए अपना खर्च किया हुआ माल भेजो, अल्लाह तुम्हें इससे भी दुगने पर दुगना सवाब अता करे। और हम क्या करते हैं, हमारा क्या रवैया है आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं अब इसको डिस्कस नहीं कर सकती। तो सबसे पहले माँ बाप, फिर करीबी रिश्तेदार, फिर यतीम, फिर मिस्कीन, और फिर कोई मुसाफिर, कोई राहगीर जिसका कोई ठिकाना ना हो, कोई रिश्तेदार करीब ना हो, कोई जानने वाला ना हो, फिर ऐसा बंदा आ जाए तो फिर उसके ऊपर खर्च करो। और फिर आगे क्या फरमाया गया, वमा तफ़अलु मिन खैरिन, और तुम जो भी भलाई करोगे, फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, तो अल्लाह उसको जानता है। और ये काम सारे हमने अल्लाह के लिए करने हैं, हमें इसकी समझ आनी चाहिए। जब हम अल्लाह के लिए करते हैं, किसी को इल्म हो या ना हो, हम छुपा कर देने का तो खैर सोच ही नहीं सकते। हमारी कोशिश तो ये होती है कि साल में दो चार दफ़ा तो कम से कम याद दिलाया जाए ना कि भाई हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तुम हमारे साथ क्या करते हो, हम तुम्हारे फ़लाँ औखे वक़्त में काम आए, फ़लाँ मुश्किल हमने तुम्हारी हल की, हमारा तो इसके बगैर गुजारा नहीं होता। अल्लाह क्या फरमा रहा है, नाराज़ रिश्तेदारों को दो, उनको बताओ भी मत क्योंकि वो लेंगे नहीं, किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए इस तरह उनकी मदद करो कि वो ढूंढते रह जाए कि हमारी मदद किसने की, और फिर ज़िंदगी में भूल जाओ कि मैंने अपने रिश्तेदार की मदद की। तो फिर दुगने पर दुगना रब तुम्हें अजर व सवाब अता करे, क्योंकि जिसके लिए तुम कर रहे हो वो तो जानता है ना। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर फ़र्ज हुआ लड़ना अल्लाह की राह में, वाहुवा कुरहुल लकुम, और वह तुम्हें नागवार है, वह आसा और करीब है, अन तकरहु शैयन, कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे, वाहुवा खैरुल लकुम, और हकीकत में वह तुम्हारे हक में बेहतर हो। ये तो एक आम सी सादा सी बात है जिसे हम समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहर हमें नागवार लगती हैं, लेकिन अनजाने कार हमारे लिए वो बड़ी फ़ायदा मंद होती हैं। वासा अन तुहिब्बू, और करीब है कि तुम्हें कोई बात पसंद हो, तुहिब्बू शैयन, कोई बात तुम्हें पसंद हो, वाहुवा शर्रुल लकुम, और अंजामे कार वो तुम्हारे लिए बुरी हो। ये बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि हम किसी चीज़ की बाज़ार खूबसूरती देखकर बाज़ औक़ात उसका इंतखाब कर लेते, ऊपर से अच्छी देख के अंदर उसके कुछ भी नहीं होता। ये एक आम मिसाल मैंने दी है, इसकी तो बेशुमार मिसालें। इसी तरह हम कभी किसी का ज़ाहरी हुसन और ज़ाहरी खूबसूरती देख के उस पर निछावर होना शुरू हो जाते हैं, उसका इंतखाब कर लेते हैं, और होता क्या है जब पाला पड़ता है तो समझ आ जाती है कि अंदर क्या है। तो इसलिए हमें हर चीज़ के ज़ाहिर को नहीं लेना चाहिए। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, यानी हकीकत हाल अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। और यस्अलूनका अनिल शहरिल हराम, तुमसे सवाल करते हैं माह हराम में लड़ने का, कितालिन फीही, उसमें लड़ने का, कुल कितालिन फीही कबीर, आप फरमा दीजिए कि उसमें लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से रोकना, व कुफ्रुन बिही, और ईमान न लाना, वल मस्जिदिल हराम, वकुफ्रुम बिही, और ईमान न लाना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज अहलिही, और निकाल देना उसके बसने वालों को, मिनहु, उसमें से, अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह उससे भी बड़ा है। वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, और उनका फसाद कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा फितना है। वला यज़ालूना, और हमेशा वो युकातिलूनकुम, लड़ते रहेंगे तुमसे, हत्ता यरुद्दूकुम, यहाँ तक कि तुम्हें वो फेर दें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इनिस्तताउ, अगर उनसे बन पड़े, यानी ये काफिर, मुशरिक, यहूदी, हिंदू, ये सब कौमें ऐसी हैं कि ये कभी भी दोस्ती किए जाने के काबिल नहीं हैं। इनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि शैतान की तरह ऐसे जाल फैलाएं कि किसी न किसी तरीके से तुम्हें गुमराह करके ही दम लें, लिहाजा हर हाल में उनसे बचना तुम्हारे लिए ज़रूरी है।
और सुन लो, वमई यर पदिद मिनकुम, और जो कोई अपने दीन से तुम में से फिर गया या फिर जाए, फयमुत, फिर वो मरे, वहुवा काफिरुन, काफिर होकर, फउलाइका हबितत, तो इन लोगों का अकारत गया, आमालुहुम, किया धरा या अकारत गए उनके आमाल, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, वउलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, जो वहाँ से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, अब दूसरी तरफ जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हाजरू, और जिन्होंने घर बार छोड़े या हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया या लड़े, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, वो लोग उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब आगे नई चीज़ के बारे में सवाल आ रहा है, यस अलूनका, ए हबीबी, आपसे पूछते हैं, अनिल खमरी, शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुए के बारे में, कुल, आप फरमा दीजिए, फीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफियु, और कुछ नफ़े हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, दुनियावी तौर पे, कुछ नफ़े, गुनाह बहुत बड़ा और नफ़े कुछ, यानी अगर आप उसकी तिजारत करते हैं, बेचते हैं, या ऐसे ममालिक में जाके कारोबार करते हैं, तो वहाँ क्या होगा, या फिर अगर आप जुआ खेलते हुए कहीं जीत जाते हैं, तो वक्ती तौर पे आपको कुछ फ़ायदा तो हो जाता है, मगर इसके मुतबादल क्या हैं, इसके मुतबादल इतना बड़ा गुनाह है और इतनी बड़ी तबाही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वह इस्मुहुमा अकबर, और इन दोनों का गुनाह ज़्यादा बड़ा है, मिन नफ़ईहिमा, इनके नफ़े से। वयसअलूनका माज़ा युन्फ़िकून, और आपसे सवाल करते हैं कि हम क्या चीज़ खर्च करें, कुलिल अफ़, आप इन्हें फरमा दीजिए कि जो फाजिल बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करें, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह बयान फरमाता है, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए निशानियाँ, लअन्नकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर करो। या मैं सिर्फ तर्जुमा ही आगे मुकम्मल कर रही हूँ, इनकी तफसीर की तरफ जाने का वक्त नहीं है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखरत के काम, यानी यहाँ पीछे वाला जो आ रहा है मज़मून, लअन्नकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखरत के कामों में, और आगे फिर वयसअलूनका अनिल यतामा, और यतीमों के बारे में आपसे मसला पूछते हैं, कुल, आप फरमा दीजिए, इस्लाहुल्लहुम खैर, उनका भला करना बेहतर है, वाइन तो खालितुहुम, और अगर तुम उनका खर्च कुछ अपने साथ मिला लो, फइख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं, वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिदा, और अल्लाह जानता है बिगाड़ने वाले को, मिनल मुस्लिह, संवारने वाले से, वलौशा अल्लाहु लअअनतकुम, और अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता तो ज़रूर मुशक्क़त में डालता तुम्हें, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये यतीमों के बारे में इस आयत के अंदर तफसीली अहकाम है कि हमें यतीमों की परवरिश कैसी करनी चाहिए, उनका अगर उनके बड़े माल छोड़ के गए हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उनकी परवरिश कैसी करनी चाहिए, उनके साथ दयानतदारी के मामलात कैसे करने चाहिए, वो सारे अहकाम इन आयात के अंदर हैं। आपको अल्लाह पाक तर्जुमा पढ़ने का शौक़ अता कर दे, तो जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं वो इसके हाशिए को, तफसीर को पढ़ कर भी मालूम कर लेंगे, और इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक पे भी किसी वक्त अल्लाह ने मौका दिया तो बयान कर लेंगे। वला तनकिहुल मुशरिकात, और ना निकाह करो मुशरिका औरतों से, हत्ता युमिन, जब तक के वो ईमान ना ले आए। वला अमतुन मोमिनतुन, और ईमान वाली बांदी या लौंडी, खैरुन, बेहतर है, मैं मुशरिकतिन, मुशरिका आज़ाद औरत से, वलौ अअजबतकुम, अगरचे वो मुशरिका औरत तुम्हें पसंद हो, मगर फिर भी उससे निकाह मत करो।
वला तुनकिहुल मुश्रिकीन, और ऐ मर्दो तुम वला तुनकिहुल मुश्रिकीन, और तुम मुशरिक मर्दों के निकाह में औरतों को मत दो, हत्ता युमिनू, जब तक कि वो ईमान न लें। वला अब्दुल मोमिनुन, और मोमिन गुलाम खैरुन, बेहतर हैं मैं मुशरिकिन मुशरिक आज़ाद मर्द से, वलव आजबकुम, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो। उलाइक यदउना इलन्नार, इनसे निकाह करने का क्या नुकसान है कि ये तुम्हें दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्ना, अल्लाह की बात मानो उस पर अमल करो, क्यों कि रब तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। वल मग़फिरति बिइज़्नि, और मग़फिरत की तरफ उसके हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिही, और वो बयान फरमाता है अपनी आयतें, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअन्नहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही अंत मक़सूदुना व रिदाका मतलूबुना, आतिना महब्बत ज़ातिक व मअरिफत सिफ़ातिक, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ऐ परवरदिगार, अपने हबीब करीम अलैहि सलातु वस्सलाम के सदक़े से आज जुमातुल मुबारक की मुक़द्दस नौरानी और मुअज़्ज़म घड़ियों में हमने जो तेरे महबूब पाक पर दरूद पढ़ने की तहरीक हासिल की, हमें उस पर क़ायम दाइम रहने की तौफीक अता फरमा। जुमे की बाकी घड़ियाँ हमें आला तरीन तरीके से अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार, अपने हबीब का सदका हमारी जितनी बहनें जितने भाई हमारी इस महफिल में शरीक हैं, सबकी आज जुमातुल मुबारक के दिन में उन लोगों की फहरिस्त में शमूलियत फरमा दे जिनको आज तूने बख्शने का वादा फरमाया है, जिनको आज तूने बख्शने का इरादा फरमाया है। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, इस माह मुबारक का सदका हमारे ज़ाहिर व बातिन को मुनव्वर फरमा दे, हमें गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा दे। हर रोज़ हम जिस कुरान मुकद्दस को पढ़ते और सुनते हैं, इसकी मोहब्बत हमारे अंग अंग में बसा दें। या अल्लाह हमारी खताएं सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दें, हमारी नेक हाजात आज के मुकद्दस दिन का सदका पूरी फरमा दें। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दें, हमारे बेघरों को घर, बे औलादों को औलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार, बे ईमानों को ईमान, बे नमाजियों को नमाज की दौलत नसीब फरमा दें। या अल्लाह हम वो तमाम नेक दुआएं जो तेरे बंदू की गैर मौजूदगी में भी उनके लिए करते हैं और मौजूद होने वालों के लिए भी करते हैं, मौला इन सब को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए मालिकुल मुल्क, अपने हबीब का सदका हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें बुरी सोहबतों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम जो नेक दुआएँ तुझसे करते हैं, हम हमारी इन दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हमारी हर रोज़ की कोशिश तेरी बंदियों तक तेरा पैगाम पहुँचाने की है, इसे समरबार फरमा, हमारे दिलों के जंग उतार दे। या अल्लाह हमें नेकों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, सिराते मुस्तकीम से हमें मोहब्बत भी अता फरमा, उसकी मार्फत और पहचान भी अता फरमा। आज इंशाल्लाह 4 बजे हमारी एक मौलिमा के वालिद साहब वफात पा गए हैं, तो आज 4 बजे उनके ख़त्म कुल का प्रोग्राम है, और वो चूँकि ओकाड़ा में हैं और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके गम में शरीक हों। अब फिज़िकली जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 4 बजे ऑनलाइन उनकी महफिल के लिए बयान होगा जो उनके वालिद के कुल के लिए होगा। आप में से जो लोग ऑनलाइन आके उसमें फिर से शरीक होना चाहें तो आप सारे शरीक हो सकते हैं। ऐ पाक अल्लाह अज़ीज़ा किश्वर साहिबा के वालिद की मगफरत फरमा, और उनके आलम बरज़ख की ज़िंदगी में आसानी फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।